नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube लाइव चैनल में और मैं आपके साथ जया मिश्रा। बिहार के मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं और अभी सीबीआई की जांच में 12 जगहों पर छापेमारी की गई थी और ये 12वीं जगह मंजू वर्मा के थे और यहाँ से हथियार बरामद हुए और इसके बाद इस पूरे मामले में कई लोगों से पूछताछ की गई। और दूसरी तरफ ब्रजेश ठाकुर जो कि मंजू वर्मा के पति हैं उन पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब बिहार में शेल्टर होम का ये एक मामला है जिस पर खबरें इतनी ज़्यादा आती हैं या यूँ कहिए कि इस पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक रिपोर्ट सामने आई है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और ये टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है और इसमें ये बात सामने आई है कि बिहार में जितने भी शेल्टर होम हैं लगभग सबका यही हाल है, यानी कि हर जगह पर छेड़छाड़ की घटना, रेप की घटना हुई है। और इस रिपोर्ट से ये बात साबित हो चुकी है कि सरकारें चाहे जितना दावा करें, अधिकारी चाहे जितनी भी ये बातें कहें, जितनी भी बातें कर लें कि काफ़ी अच्छे से काम किया जा रहा है, जांच की जा रही है हर शेल्टर होम की, लेकिन जो अब रिपोर्ट सामने आई है उससे कहीं ना कहीं ये साफ है कि महिलाओं को लेकर सिर्फ और सिर्फ मजाक कानून बनाया जा रहा है, मजाक बनाकर कानून को रखा गया है। और किसी भी तरीके की कार्रवाई अगर आप एक शेल्टर होम पर करते हैं तो ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि बिहार के हर शेल्टर होम का यही हाल है। और मुजफ्फरपुर के बाद दो ऐसे केसेस शेल्टर होम के आए जहाँ पर दो महिलाओं की मौत और एक शेल्टर होम में महिला के साथ रेप। इसके बाद अब जो ये रिपोर्ट सामने आई है उससे कहीं ना कहीं आप भी ये मान सकते हैं कि ये रिपोर्ट गलत नहीं है, क्योंकि टाटा इंस्टीट्यूट की भले ही ये रिपोर्ट हो लेकिन स्थिति जिस तरीके की है, अगर हम एक तरफ रिपोर्ट को एक किनारे कर दें, फिर भी अगर आप ये देखें कि जब मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में जब सफ़ेदपोश लोगों का हाथ है तो आप समझ सकते हैं कि बाकी शेल्टर होम का क्या हाल होगा और यहाँ पर महिलाओं के साथ किस तरीके का सलूक किया जाता होगा। समाज कल्याण विभाग की मंत्री ही जब इस तरीके के कारनामों में शामिल है और खुद वो महिला है, तो जब एक महिला होकर वो दूसरी महिला का दुख नहीं समझ रही है तो शेल्टर होम का हाल बेहतर समझा जा सकता है, खासकर बिहार में। और ये सिर्फ बिहार में इसलिए क्योंकि बिहार से 3-4 मामले सामने आ गए, यूपी के देवरिया में भी एक मामला सामने आया, लेकिन लगभग आप जिस भी सरकारी संस्थानों की बात करें या शेल्टर होम हो गया या वृद्धा हॉल जो होता है वो, या फिर इस तरीके से विधवा संस्थान जो होते हैं, इन सब में स्थिति लगभग एक जैसी है। और अगर कहें कि सरकार पूरी तरीके से विफल है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि सरकार के ज़िम्मे ये सब कुछ आता है, ये जितने भी संस्थान हैं ये सब सरकार के ज़िम्मे आते हैं, लेकिन सरकार पूरी तरीके से विफल है महिला सुरक्षा में। और सरकार सिर्फ एक दो मुद्दे लेकर उसको भुनाने की कोशिश करती है ताकि वो सत्ता में बनी रहे, लेकिन स्थितियाँ बेहद ही दयनीय है। बिहार के शेल्टर होम में जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, नीतीश कुमार अपना फेलियर माने और नीतीश कुमार को इस पूरे मामले में, चाहे मंजू वर्मा हो, चाहे जो भी नेता उनकी पार्टी से हैं या विपक्ष से भी हैं, उन पर उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये दूसरों के लिए सबक बने, क्योंकि इससे एक प्रदेश की छवि खराब होती है। बिहार के लिए लोगों की मानसिकता क्या है ये सब जानते हैं, महिलाओं को लेकर बिहार में किस तरीके की आलोचनाएं होती हैं, किस तरीके से महिलाओं के साथ सलूक किया जाता है, ये तमाम चीज़ें जब आप बिहार से निकलते हैं बाकी प्रदेशों में जाते हैं तो आप उस छवि को साफ समझ पाएंगे। तो यहाँ ये जो मामले सामने आए हैं शेल्टर होम के, इससे साफ तौर पर बिहार की भी किरकिरी हुई है, प्रदेश की किरकिरी हुई है और इस पूरे मामले में जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, हमारे YouTube लाइव चैनल में सिर्फ इतना ही, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।